हेलो दोस्तों, सबसे पहले एक वीडियो दिखा रहा हूँ, जरा वो देखना, आईटीआई से रिलेटेड है, जरा देखो उसको। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है टेक्निकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। देखिए, यह बहुत तेजी से वायरल हो रहा था जिसमें लिखा था कि कॉलेज आईटीआई हुआ पॉलिटेक्निक के छात्र होंगे प्रमोट। जी दोस्तों, यहाँ पर तो कॉलेज व पॉलिटेक्निक के छात्र प्रमोट हो गए, लेकिन अभी तक आईटीआई के छात्र को प्रमोट नहीं किया गया है। दोस्तों, आइए जानते हैं आखिर कब तक आईटीआई के छात्रों को प्रमोट किया जाएगा और कैसे उनको प्रमोट किया जाएगा, सब कुछ आज आपको वीडियो बताएंगे। तो वीडियो का देखिएगा सुख लेकर अंत तक, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और आप जान जाएंगे कैसे यहाँ पर आईटीआई के छात्र पास होंगे। सीधे हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मानव संसाधन विकास मंत्री से। आज हमने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी से खास तौर पर यह रिक्वेस्ट की कि वो आज वो जी न्यूज पर आएं और देश में जितने भी जो पेरेंट्स हैं उनके साथ सीधे बातचीत करें, संवाद करें और आप जवाब दें इसका। तो सबसे पहले तो आप लोग ये जान लो कि जो आईटीआई आती है, आईटीआई है ना, ये आती है किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। जो मंत्री है वो है ये मिस्टर महेंद्र नाथ पांडे। तो कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर आईटीआई से रिलेटेड जो दिखाया जा रहा है, और वहाँ पर किसको दिखा रहे हैं, ये निशंक जी को दिखा रहे हैं। तो पहली बार तो ये समझ लो कि भाई निशंक जी हमारी आईटीआई यानी एमएसडीआई के मंत्री हैं ही नहीं। तो जिसने वीडियो बनाई है उसको वो जानबूझ के आप लोगों का पागल बना रहा है कि जो निशंक जी हैं वो आईटीआई के बारे में बता रहे हैं। अरे भाई, जब निशंक जो एमएसडीई के अंतर्गत आईटीआई आती है और उसके महेंद्र जी जो मंत्री हैं, तो ऐसे में ये कैसे बता सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, आपको अवेयरनेस नहीं है, तो आपको पागल बनाया जा रहा है। आगे देखो, में जितने भी जो पेरेंट्स हैं उनके साथ सीधे बातचीत करें, संवाद करें और आप जवाब दें इसका। देखिए, आप सभी ने देखा ही होगा कि जो पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर की परीक्षाएं थी उसको निरस्त कर दिया गया है। देखिए, अब यहां पर कितनी शॉर्ट में जल्दबाजी में आपको ना उनकी बात सुनाई गई कि भाई वो कहना क्या चाह रहे थे, उसके बाद हेडिंग कुछ और थी, अंदर वो यूजीसी के मंत्री हैं और बाद में यहाँ क्या बात हो गई, ऊपर पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर की परीक्षा निरस्त होगी करा दिया गया। यहाँ पर साफ साफ पीछे लिखा भी गया है कि प्रमोट किए जाएंगे छात्र, आपको हम पूरी दिखाते हैं जानकारी। यहाँ पर देखिए, साफ साफ लिखा कि परिषद के सचिव के मुताबिक आंतरिक परीक्षा या सेमेस्टर के मूल्यांकन आधार पर पास कर जाएगा। प्रथम वर्ष के छात्रों को यहाँ पर पास कर जाएगा, वहीं सेकेंडरी वाले छात्रों को पास कर जाएगा, अंतिम वर्ष के छात्रों को भी यहाँ पर आंतरिक मूल्यांकन आधार पर नंबर दे दिया जाएगा। तो आखिर कब आईटीआई वाले छात्रों को पास किया जाएगा? देखिए, यहाँ पर सभी छात्र तो पास हो गए, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर विश्वविद्यालय थे उनके भी छात्र पास हो गए, जितने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा थे उसके छात्र पास हो गए, लेकिन आईटीआई छात्र कब पास होंगे, आइए जानते हैं यहाँ पर मंत्री जी से और कैसे छात्रों को यहाँ पर पास करना है। मंत्री जी बताइए, तो मंत्री जी उनकी सुन रहे हैं बैठ के, तो बेवकूफ बनाने की भी एक हद होती है भाई। नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा हो तो दिमाग तो लगाओ, जो आप लोग देख रहे हो देखो क्या हो रहा है, ठीक है। निशंक जी का डीएनए पे जो सुधीर वो है उस चैनल के जी न्यूज के, वो उनसे बात कर रहे हैं और उसके बीच में जबस्ती क्वेश्चन बोल के वहां पर फिट कर दिया गया। शत प्रतिशत आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर उसको पदोन्नत करेंगे। और यदि 12वीं की बात हो रही है, दूसरे सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, पीछे के सेमेस्टर का 50% प्लस जो ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि यूजीसी के मंत्री हैं। आप सभी लोगों ने देखा कि कैसे बात हो जाएगा। अब हम पूछने वाले प्रश्न यहां से कि कैसे, बताइए फाइनल छात्र जो है उनको कैसे प्रमोट किया जाएगा, उनको परीक्षा देनी पड़ेगी क्या अंतिम है जो। अब यहां देखिए कितना धोखा दिया जा रहा है कि भाई वहाँ वो बात बता, सारे आंसर दे रहे हैं, वो 10th 12th या ग्रेजुएशन सिंपल ग्रेजुएशन इस तरह के क्वेश्चनों के जवाब दे रहे हैं, और यहाँ पर जबरदस्ती अपना अपनी अपनी बात क्वेश्चन जबरदस्ती चेप के उसमें डाल दिया गया। बात जो देख रहे हैं उन सब की ओर से आपका शुक्रिया कहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने अभिभावकों को भी और छात्रों को भी शुभकामना देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। हेलो दोस्तों, तो अगर आप भी आईटीआई के स्टूडेंट हैं या आईटीआई से रिलेशन रखते हैं और ये सोचते हैं कि आईटीआई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डाल के यूट्यूब चैनल बना के अगर मैं आईटीआई की जानकारी प्रैक्टिकल थ्योरी की डिटेल दे के मैं अच्छा खासे पैसे कमा लूँगा यूट्यूब से, तो ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि आईटीआई में जो स्ट्रेंथ है वो ऑल ओवर इंडिया इतनी ज़्यादा नहीं है कि उसके अगर सारे बच्चे भी आपको सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसमें इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते कि व्यूज़ के ब्याह पर आप बहुत मोटा तगड़ा पैसा कमा लें। तो यही वजह है कि जितने भी पॉपुलर अच्छे चैनल हैं, चाहे मैं बात करूँ अभिषेक राज के चैनल की, या मैं बात करूं ग्लोबल आईटीआई वाले की, या मैं बात करूं ऑनलाइन ऑफलाइन ज्ञानचंद की, और या फिर आईटीआई लाइव ज्ञान, तो ये चारों चैनल जो हैं ये आप इनके व्यूज़ ओवरऑल देखेंगे, इसके व्यूज़ इतने नहीं आते कि अगर केवल व्यूज़ और इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे अगर आपने पैसे कमाने हो तो आप बहुत मोटा पैसा कमा लेंगे, ऐसा नहीं है। तो अगर आप आईटीआई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब में डाल के पैसे कमाने की सोच रहे हैं बहुत मोटा, तो ये गलती मत करना, इतना पैसा आईटीआई से रिलेटेड वीडियोज़ में नहीं। तो ये मेरा, मुझे ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी, वो इसलिए पड़ी कि मैं देख रहा हूँ कि कुछ नए चैनल इतने तेज़ी से खुल रहे हैं कि जो झूठ मूठ की खबरें बना बना के एडिट कर करके वीडियो बना के यूट्यूब में डाल रहे हैं और उसमें लगातार 20,000 व्यूज़ आ जा रहे हैं, क्योंकि वो जानबूझकर ऐसी वीडियो बनाते हैं कि आईटीआई में बच्चे बिना पास हुए उसमें आगे प्रमोट हो जाएंगे और निशंक जी
उस उसमें ये सब बताते हुए दिखा रहे हैं। ये तीन चार चैनल हैं, ये ऑथेंटिक चैनल हैं जो अच्छे से आपको आईटीआई के बारे में जानकारी देते हैं। इसके अलावा जितने भी इस टाइप के जो है ना मिर्च मसाला लगा के दिखा रहे हैं, एडिटिंग कर करके दिखा रहे हैं, भैया ऐसे चैनलों पर भरोसा मत करो और इनके चक्र में पल्लों में मत आना, ठीक है। मुझे बड़ा दुख होता है कि भाई ऐसे ऐसे स्टूडेंट कह लें या फिर ऐसे लोग कह लें जो आईटीआई के ऐसी फेक न्यूज़ बना के केवल इसलिए दिखा रहे हैं कि उससे व्यूज़ ज़्यादा आए और उनसे वो पैसे कमा पाएँ, ठीक है। तो ऐसे चैनल से बच के रहें। इसके अलावा अगर आप कभी आईटीआई के बिहाफ पे अगर आप चैनल खोलने वाले हैं तो मैं पहले ही मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि भैया आईटीआई की जो ट्रेड थ्योरी की वीडियो देखने में बहुत कम बच्चे इंटरेस्टेड हैं, मैंने बना के डाली है, नहीं व्यूज़ आते। इसके अलावा आईटीआई इतना बड़ा फील्ड नहीं है कि इसके लगातार व्यूज़ करने पर बहुत ज़्यादा व्यूअर्स आ जाएँ, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं होता। तो अगर आपका आइडिया है कि ट्रेड थ्योरी की वीडियो बनाऊंगा, ट्रेड प्रैक्टिकल की वीडियो बनाऊंगा या आईटीआई से रिलेटेड बनाऊंगा और बहुत पैसे कमाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये चार चैनलों के जो व्यूज़ आते हैं लगातार हर वीडियो पे उसको ट्रेस करें। अगर मोटा पैसा कमाना है तो मान के चलें एक वीडियो पे एवरेज 1 लाख व्यूज़ के आसपास अगर हर वीडियो में आएँ तो मान के चलना कि केवल वीडियो के बना के ही आप पैसे कमा पाएंगे। उससे अगर कम व्यू 3,000, 4,000, 5,000 व्यूज़ अगर किसी एक वीडियो पर आ जा रहे हैं तो उसे कोई खास कमाई नहीं होती, क्योंकि मेरी एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसे आईटीआई से रिलेटेड चैनल बना के जब आप पहले बना लेंगे बिना सोचे समझे और बाद में सोचेंगे मैं कैसे कमाऊँ, कैसे मेरे व्यूज़ आएँ, तो फिर आप इस तरह के फेक काम करने से बेटर है कि भैया ऐसे पचड़े में पड़े ना, कोई दूसरा टॉपिक ढूंढें और उस पर वीडियोज़ बनाएं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताना, ये वीडियो लास्ट तक देखो उस क्लिप को, कि उसके बाद बताना कि भाई आपका क्या कहना है ऐसे चैनलों के बारे में और ऐसे फेक न्यूज़ के बारे में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लास्ट तक देखना। बाय बाय।